मैनपुरी से चंद्रपाल शाक्य की रिपोर्ट। दहेज की खातिर ससुराल जनों ने एक विवाहिता का क्या किया हशा, आप भी देखें। नंद मोए दही जलाए, लगाए दही दिया सलाई, दहेज की खातिर महिला को जलाया, सैफई अस्पताल भर्ती। भूगांव पुलिस बोली लिखेगे मुकदमा। मैनपुरी बाबूजी मेरे सास ससुर लेकर कमरे में बंद दौड़ी आई, तेल ले आई, मेरी छोटी नंद लगाई दही दिया सलाई, ननंद मोए दही जलाए। इस गीत की लाइनें थाना भूगांव क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर में सटीक बैठी है, क्योंकि यहां दहेज के खातिर ससुराल जनों ने एक विवाहिता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिसमे महिला गंभीर हालत में जलकर घायल हो गई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया है। जनपद कन्नौज थाना छिबरामऊ क्षेत्र के ग्राम मदारपुर निवासी बलवीर सिंह ने अपनी पुत्री निशा राजपूत उर्फ भारती की शादी थाना भूगांव क्षेत्र के ग्राम मक्खनपुर में सन 2016 में ग्रामवासी रजनेश कुमार राजपूत पुत्र सोनपाल के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। दहेज से ससुराली जन संतुष्ट नहीं हुए और अतिरिक्त दहेज में 170,000 की मांग करते हुए निशा का उत्पीड़न शुरू कर दिया। निशा के पिता बलवीर सिंह बताते हैं कि उनकी पुत्री जब भी गर्भवती होती थी तो ससुराल वाले उसे मायके में जबरदस्ती भेज देते थे और उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती रही हैं। कई बार पंचायत भी हुई, लेकिन शनिवार को सारी यातनाओं की हदें उस समय पर हो गई जब उनकी पुत्री निशा उर्फ भारती को सासू जलदेही, ससुर सोनपाल, ननन स्वार्थी जेट सुधीर ने निशा के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे निशा गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको यह सूचना गांव से ही उनकी रिश्तेदार ने फोन पर दी तो वह यहां आए और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर अवस्था में घायल निशा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने निशा की हालत गंभीर देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। थाना भूगांव प्रभारी कोपसिंह ने परिजनों से कहा है कि वो जो तहरीर लिख कर दे देंगे और मुकदमा कायम करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ससुराल वालों ने आग लगा दी, 2016 में शादी की थी, वो लोग दहेज की मांग कर रहे हैं, बोल रहे मेरे को 70,000 रुपए दो, दहेज भी कम दिया, फिर भी मारपीट की और आग लगा दी। क्या नाम था तुम्हारी दीदी का? मेरी दीदी का नाम है निशा। पति का क्या नाम है? रजनेश। गांव कौन सा है? मक्खनपुर। थाना? थाना भोगांव। अब बताओ क्या मामला था? मामला यही सर था कि जो उन्होंने दहेज की मांग की, मारपीट की, फिर उन्होंने उसके बाद आग लगा दी। कैसे आग लगा दी थी? किसने लगाई आग? उनके ससुर हैं सोनपाल, उनकी सास हैं जलदेवी, ननंद है स्वार्थी और जेठ हैं सुधीर। अच्छा, फिर उसके बाद कोई लोग आए थे यहाँ? कोई लोग अस्पताल में नहीं आए। कोई नहीं आए थे? कोई नहीं। खुद ही लेके आए आप? हम ही लेके आए। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना नहीं दी सर। फिर किसने सूचना दी पुलिस को? पुलिस यहाँ अस्पताल में लेके आई थी थाना भोगांव पुलिस। फोन किया था? क्या सूचना दी पुलिस को? कितने बजे घटना आई? लगभग 10:30 बजे। 10:30 बजे